आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दिलशाद हुसैन की हत्या के मामले में आया नया मोड़। दिलशाद हुसैन ने तथाकथित हिंदू बनकर हिंदू रीति रिवाज से नाबालिग हिंदू लड़की से की शादी। तमाम वीडियो और सामाजिक तानों से आज जाकर नाबालिग पुत्री के रिटायर्ड फौजी पिता भागवत निषाद ने हत्या जैसा गंभीर अपराध को दिया अंजाम। शुक्रवार को दीवानी न्यायालय गेट के स्टैंड के पास हुई युवक की हत्या के बाद जिलाधिकारी एसएसपी ने जिला जज के साथ न्यायालय परिषद सहित घटनास्थल का किया निरीक्षण। न्यायालय सुरक्षा में लगे अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। लूट में वांछित तीन अभियुक्तों को गगहा पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, लूट का 30,770 रुपए नगद, लूट का 2 मोबाइल व घटना में प्रयुक्त बुलेट मोटरसाइकिल किया बरामद। एसपी साउथ ने किया खुलासा। जनवरी तक जनपद के सभी विद्यालय रहेंगे बंद। एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने दी जानकारी। अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब बनाते हुए तीन अभियुक्तों को खजनी पुलिस ने किया गिरफ्तार। 90 लीटर कच्ची अपमिश्रित शराब, एक ड्रम प्लास्टिक की नली लगी हुई, 2 एल्यूमिनियम के डेग, एक घरेलू सिलेंडर व एक कॉमर्शियल सिलेंडर व एक गैस चूल्हा, 4 किलो यूरिया, 4 किलो नौशादर, 2 किलो फिटकरी किया बरामद व 500 किलो लहन को किया नष्ट, भेजा जेल। शुक्रवार को दीवानी गेट के बाहर युवक की हत्या करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कराने वाले साइकिल स्टैंड के कर्मचारी कन्हैयालाल सहित पुलिस कर्मियों को एडीजी जोन अखिल कुमार ने प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। सभी के उज्जवल भविष्य की कामना। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में भारतीय युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के विकास कार्यों का किया पोस्टर जारी। क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा, 2017 विधानसभा से भी ज्यादा प्रदेश में जीतेंगे सीटें। 2022 में दोबारा बनेगी भाजपा की सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा बनेंगे मुख्यमंत्री। शनिवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 299 केंद्रों पर 25,133 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 9,047 लोग तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 15,351 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने नागरिकों से की अपील, कहा, जिन लोगों का अभी तक नहीं हो पाया है वैक्सीनेशन, ऐसे लोग अपने नजदीकी सेंटर पर पहुंचकर अवश्य करवाएं वैक्सीनेशन। विधानसभा चुनाव 2022 को संपन्न कराने के लिए मास्टर ट्रेनरों का अंतिम दिन का प्रशिक्षण सकुशल हुआ संपन्न। मुख्य प्रशिक्षक ने कहा, मास्टर ट्रेनर 27 जनवरी से कार्मिकों को राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में देंगे प्रशिक्षण। गोरखपुर में शनिवार को पाए गए 285 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में घट रही एक्टिव केस की संख्या, अब एक्टिव केस की संख्या हुई 2,221। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि। सात साल पहले गोरखपुर से जिला पंचायत के चुनाव में अपनी धमाकेदार एंट्री कर सुर्खियों में आए स्वर्णकार समाज से ताल्लुक रखने वाले विनय वर्मा की है अब भाजपा से विधानसभा का चुनाव लड़ने की तमन्ना। स्वर्णकार समाज के राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी और पिछड़ा आयोग के सदस्य सहित समाज के लोगों ने विधानसभा क्षेत्र खलीलाबाद 313 से प्रत्याशी बनाए जाने की मांग। और जनपद में 24 जनवरी तक होगी हल्की बूंदाबांदी, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी।